What's up everyone, welcome back to another new video। आज के इस वीडियो में हम लोग One Piece के एपिसोड नंबर 136, 37 और 38 इन तीन एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारे मरीन शिप देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे मरीन शिप से कैनन फायर कर रहा है गोइंग मैरी के ऊपर, लेकिन गोइंग मैरी के ऊपर एक भी फायर नहीं लगता। और जो मरीन के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि देखो जो स्ट्रो हैट लूफी का क्रू है वो लोग भाग रहे हैं, हम लोगों के साथ पंगा नहीं ले सकता। और उसके बाद हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग भागने की कोशिश नहीं कर रहे, जो लूफी है जो चॉपर है सब लोग बहुत ज़्यादा हंगरी है। जो लूफी है वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, अगर हम लोग मरीन के अटैक से भी ना मरे हम लोग भूख से मर जाएंगे। उसके बाद उस सबको पूछता है कि उस सब तुमने कुछ पकड़ा क्या? जो उस सब है वो कहता है कि नहीं मैं अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ पाया। जो नामी है वो सबसे ज्यादा चिल्ला रही है और कहती है कि देखो तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे पीछे मरीन पड़े हुए हैं। जो सांजी है वो खाना बना के ले जाता है रॉबिन के लिए। जो लूफी और उस सब है वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा सा दो, उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन लोगों के पीछे मरीन पड़े हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं, वो आराम से अपने तलवार साफ कर रहा है और कहता है कि नामी तुम पीछे के लोगों के बारे में टेंशन मत करो, मरीन के बारे में चिंता मत करो, हम लोगों को सामने की तरफ देखना पड़ेगा। देखो जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग है और बहुत ज़्यादा रॉकी भी है, हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ेगा, वहाँ पर ध्यान दो। हम लोग देखते हैं कि नामी वहाँ पर ध्यान देती है और अपने शिप को वहाँ से आसानी से निकल लेती है। और हम लोग पीछे मरीन शिप में देखते हैं, जो मरीन के लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ पर नामी जैसा कोई नेविगेटर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मरीन शिप दूसरे मरीन शिप से टकराता है और डूबने की कगार पर होता है क्योंकि जो मरीन शिप है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है स्ट्रॉ हैट लूफी के शिप के मुकाबले। तो उसके बाद उन लोग का जो सर्जन है वो कहता है कि चलो हम लोग रिट्रीट करेंगे और जो मरीन के शिप है वो लोग पीछे चले जाते हैं और जो गोइंग मैरी है उसका पीछा नहीं करते। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नामी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेविगेशन स्किल के वजह से वो लोग वहां से निकल पाए और उन लोगों के शिप को ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ है। उसके बाद सब लोग देखते हैं कि सामने एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड, सब लोग उस आइलैंड पे लैंड करते हैं। और उस आइलैंड पे उतरने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि कोई उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है और कहता है कि 6 इंसान और एक जानवर। हम लोग देखते हैं कि लूफी का क्रू थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है उस आइलैंड के और ऊपर आने के बाद ही उन लोगों को एक छोटा सा गोट देखता है, माउंटेन गोट। और ये देखने के बाद जो चॉपर है वो कहता है कि कितना क्यूट बेबी गोट है, लेकिन जो लूफी और उसके गैंग मेंबर है जो लड़के है वो लोग नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं ये एक मीट है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग दौड़ रहे हैं उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन बीच में आ जाती है नामी और कहती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को क्या लगता है, लेकिन वो बस एक बेबी गोट है उसको छोड़ दो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े गोट आ जाते हैं, उन लोगों को एक ट्रैप में फंसा लिया है और लूफी के क्रू के ऊपर सब लोग हमला कर देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि जो जोरो और सांजी है वो लोग अपने तलवार और किक से जो गोट्स है उन लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन जो चॉपर है वो रोक देता है, कहता है कि उन लोगों को मत मारो, मुझे पता है कि ये सारे के सारे गोट अच्छे हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो चॉपर है वो एक गोट से बात करता है और उस गोट से बात करने के बाद ये पता चलता है कि उन लोगों को ऑर्डर दिया है किसी ने, लेकिन उसके बाद भी जो गोट्स है वो नहीं रुकते, स्ट्रॉ हैट क्रू के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि चॉपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मॉन्स्ट्रस रूप ले लेता है, चिल्ला के कहता है कि तुम लोग हमला करना बंद करो। और चॉपर का ये रूप देखने के बाद जो गोट्स है उसकी गान फट जाता है। हम लोग देखते हैं कि पेड़ के ऊपर से एक बूढ़ा इंसान गिरता है और सब लोग कहते हैं कि देखो वहां से कोई गिरा है। तो उससे बात करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो सारे के सारे पायरेट को हेट करता है और इसने सारे के सारे गोट को कहा है कि हमला करने के लिए इन लोगों के ऊपर। तो जो सांजी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें लूटने नहीं आए, हमें तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए, हम लोगों का अगर थोड़ा सा साफ पानी और खाना मिल जाएगा तो ही होगा। लेकिन उसके बाद भी जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मैं पायरेट के बात पर विश्वास नहीं करता और मेरे आइलैंड पे एक पैसा भी नहीं है, मेरे पास कोई भी खजाना नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग के जा रहा था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पैर में लग के वो एक झाड़ियों के ऊपर गिर जाता है और उसको जकड़ लेता है बहुत सारे पेड़ की डालियाँ। हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पाता, तो जो जोरो है वो उसके सामने जाता है और अपने तलवार से सारे के सारे पेड़ के डालियाँ को काट देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो बेहोश हो जाता है। जो चॉपर है वो चेक करने के बाद कहता है कि यार इसका
तो हार्ट बीट रुक गया, ये बंदा मर गया। तो सब लोग कहते हैं कि जोरो ये तूने क्या किया, तूने उस बंदे को मार डाला। सब लोग जोरो को ब्लेम करते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस जो डाल है वो काटा है, मैंने नहीं मारा। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलकर उस ओल्ड मैन को उसके घर पर ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट होता है। जो चॉपर है वो कहता है कि ये ओल्ड मैन मरा नहीं है, इसको बहुत बड़ा शॉक लगा था और शॉक की वजह से उसका हार्ट रुक गया था। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उस ओल्ड मैन को होश आता है और वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करने लग जाता है और कहता है कि देखो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों के वजह से मैं मरने वाला था और मेरा एक भी काम नहीं हुआ, अब क्या करूँ। हम लोग लूफी को देखते हैं और वो कहता है कि ठीक है हम लोग तुम्हारा काम कर देंगे। हम लोग देखते हैं कि लूफी, जोरो, सांजी सब लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराता है वो ओल्ड मैन और चारों तरफ ऑर्डर देते रहता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो सब लोगों के लिए खाना ढूंढ रहा है उस आइलैंड पे और खाना ढूंढते ढूंढते उसे एक अचानक सा चीज़ दिखता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक पायरेट शिप है जिसे कोई बना रहा है। और ये देखने के बाद जो जोरो है शाम के टाइम को वहाँ पर वापस आता है जहाँ पर उसके दोस्त है और आने के बाद कहता है कि तुम लोग अभी भी काम कर रहे हो। जो उस समय वो कहता है कि ये बुड्ढा हम लोगों को टाइम ही नहीं दे रहा रिलैक्स करने का, हम लोगों से काम कराया ही जा रहा है। और उसके बाद जो जोरो है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है सब लोगों को उसके साथ पूरा दिन क्या हुआ और उसे एक स्ट्रेंज पायरेट शिप भी दिखा। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि लगता है मुझे पैसों का बू आ रहा है, लगता है वहाँ पर कोई खजाना है, चलो हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो जो जोरो है वो कहता है कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत दूर है, हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर सब लोग चलते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो जोरो है वो सोचता है कि मुझे तो पूरा दिन लग गया था यहाँ से वापस जाने में, लेकिन अभी हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए, लगता है मैं गोल गोल घूम रहा था। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो इस शिप को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है। जो उस समय वो कहता है कि इस शिप को तो आधा बना के छोड़ दिया गया है। जो रॉबिन है वो कहती है कि ये जो शिप का मटेरियल है लगता है इसे लोकल ट्री से बनाया गया है। एक और बंदा कहता है कि इस आइलैंड में बस एक ही बंदा है, वो बुढ़ा इंसान, लगता है उसने ही बनाया है। उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। नामी चारों तरफ घूम के आती है और कहती है कि लगता है यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। सब लोग कहते हैं कि कौन सा चीज़। जो नामी है वो कहती है कि यहाँ पर ट्रेजर नहीं है। सब लोग कहते हैं ट्रेजर। जो नामी है उसके बाद वो अपना इंटेंशन रिवील करती है और कहती है कि मुझे लगा ही था ये जो ओल्ड मैन है वो पहले शायद एक पायरेट हुआ करता था, उसके क्रूमेट के मरने के बाद शायद यही आखिरी बच गया था और पूरा का पूरा खजाना लेके इस आइलैंड में फंस गया होगा, इसलिए वो अभी अपना एक पायरेट शिप बना रहा है यहाँ से भागने के लिए। तो उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो जंगल है वहाँ से कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ पर शिप बनाने के बाद उसको बाहर नीचे ले जा सके, और दूसरी तरफ खाई है, यहाँ से तो नीचे उतारा ही नहीं जा सकता, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के कैप्टन के साथ उसके सर्जन का कॉन्वर्सेशन देखते हैं और उसका जो सर्जन है वो रिपोर्ट करता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग एक बहुत बड़े तूफान में फंस गए, हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन जो कैप्टन है वो कहता है कि तुमको उसको पकड़ना ही पड़ेगा। तो जो सर्जन है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा और वहाँ से निकल जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस सर्जन के साथ एक और मरीन है जिसका नाम है कॉर्पोरल। तो वो सर्जन को कहता है कि सर्जन तुमने हमारे कैप्टन के पास ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड है। तो जो सर्जन है वो कहता है कि कॉर्पोरल तुमने देखा था उस आइलैंड को। जो कॉर्पोरल है वो कहता है कि हाँ मैंने देखा था और मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग वहाँ पर ही रुके हुए हैं, हम लोगों को कैप्टन को बताना पड़ेगा। लेकिन जो सर्जन है वो कहता है कि नहीं हमारे कैप्टन को मत बताओ, तुमको पता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत दिया जाता है। जो एक्चुअल नेवी का मैप है उस मैप में इस आइलैंड का जिक्र ही नहीं किया गया है, पता है क्यों। जो कॉर्पोरल है वो कहता है कि नहीं। तो जो सर्जन है वो कहता है कि हम लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन गलत दिया जाता है, इसलिए हमारे जो हायर अप्स होते हैं उन लोगों के हर बात को यकीन नहीं करते। तुम बताओ कुछ दिन पहले एलिवेस्टर पे ये कांड हुआ, क्रोकोडाइल को किसने हराया। जो कॉर्पोरल है वो कहता है कि नेवी का हीरो कैप्टन स्मोकर ने हराया क्रोकोडाइल को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो सर्जन है वो कहता है कि नहीं नेवी वालों ने हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, असली में जो स्ट्रॉ हैट क्रू है उन लोगों ने हराया है, जो लूफी है उसने हराया है। अगर हम लोग उन लोगों के साथ हेड ऑन फाइट करने जाए तो वो लोग हम लोग को एक चुटकी में हरा देगा, क्योंकि हम लोग वारलॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है और उस वारलॉर्ड क्रोकोडाइल को हराया है स्ट्रॉ हैट लूफी ने, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्लान है, मेरा मदद करना पड़ेगा तुमको, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोगों को देखते हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। जो उस समय वो कहता है कि हम लोगों को इस आइलैंड से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर और कुछ ज़्यादा दिन रहे, यहाँ पर काम करते करते हम लोग उस ओल्ड मैन का स्लेव बन जाएंगे। सब लोग कहते हैं कि हाँ हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि चॉपर बाहर निकलता है उस ओल्ड मैन का सेवा करके, और जो चॉपर है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। सब लोग कहते हैं कि क्यों नहीं जाओगे। जो चॉपर है वो कहता है कि मैं अपने पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उस ओल्ड मैन के पास अभी बस 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन के अंदर ये ओल्ड मैन मर जाएगा। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि बस 3 दिन बचा हुआ है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो
उसके बाद हम लोग सुबह का एक सीन देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो बाहर निकलता है घर से और कहता है गुड मॉर्निंग, और बाहर निकलते ही देखता है कि सामने बहुत सारा खाना है सजा के रखा हुआ है सांगी और सब लोगों ने। सब लोग कहते हैं कि आ जाओ ओल्ड मैन, हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट बनाया है तुम्हारे लिए। जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मेरे लिए छोटा सा ब्रेकफास्ट, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टी होने वाला है और यहाँ पर इतना सारा खाना है, क्या तुम लोगों ने जहर मिलाया है? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़ खाओ। सब लोग बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते हैं उसका और वो भी खाता है। हम लोग देखता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, सिर्फ ज़ोरो खुश नहीं है, और वो कहता है कि लगता नहीं कि ये बंदा 3 दिन में मरने वाला है, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, ये तो लूफी को भी टक्कर दे सकता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सर्जन है और जो कॉर्पोरल है उन लोगों ने 20 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट है वो ढूंढ के निकाला है, और उन लोगों को ये पता चलता है कि जेनी द मनी लेंडर नाम का एक बंदा था वहाँ पर 20 साल पहले, और बहुत सारा खजाने के साथ वो अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि लगता है वो बुड्ढा तो पहले निपट गया होगा, लेकिन उसका जो खजाना है वो अभी भी उस आइलैंड पे है। हम लोग जाएंगे उस खजाने को ढूंढेंगे और हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है, ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग ओल्ड मैन जेनी को देखते हैं। वो स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोगों को ऑर्डर देता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अपना काम जल्दी जल्दी करो, अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, तुम लोग क्या कछुए की तरह काम कर रहे हो? जो जोरो है वो लकड़ियाँ काट रहा है, सब लोग उसके जो शिप है उसको बिल्ड करने में मदद कर रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। वो उस ओल्ड मैन जेनी से एक क्वेश्चन करता है और कहता है कि तुम इस शिप को यहाँ पर क्यों बिल्ड कर रहे हो पहाड़ के ऊपर? अगर तुमने इसको बिल्ड भी कर लिया, कंप्लीट भी कर लिया, तुम तो इसको पानी में नहीं ले जा सकते, ये बिल्कुल ही यूजलेस है। और ये सुनने के बाद जो जेनी है वो बहुत जोर जोर से हंसता है और हंसने के बाद कहता है कि तुम लोगों को लगता है ये एक शिप है? नहीं, ये कोई शिप नहीं है। सब लोग कहते हैं कि ये अगर शिप नहीं है तो ये क्या है? जो जेनी है वो कहता है कि ये मेरा ग्रेवयार्ड है, ये मेरा कॉफिन है। सब लोग कहते हैं तुम्हारा कॉफिन? तो जो जेनी है वो कहता है कि देखो मैं बुरा हो गया हूँ, मैं एक ना एक दिन तो मरूंगा ही, तो इसलिए मैं अपना कॉफिन खुद ही बना रहा था। तो जो सांजी है वो कहता है कि ये सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जो ग्रेव है, तुम्हारा जो कॉफिन है, वो पायरेट शिप के आकार में क्यों है? हम लोग देखते हैं कि जो जेनी है उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं, सब लोग सोचते हैं कि वो मर गया, सब लोग दौड़ते हुए आते हैं, सब लोग सिंपैथी दे रहे हैं। तो जो नामी है वो चिल्ला के कहती है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, वो मरा नहीं है, वो बस टायर्ड होकर सो गया है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग मरीन के कैप्टन के साथ उसके सर्जन का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। तो जो उसका कैप्टन है वो पूछता है कि क्या तुम लोगों को स्ट्रॉ हैट लूफी का क्रू मिल गया? तो जो सर्जन है वो कहता है कि हाँ मिल गया, लेकिन वो एक गलत रिपोर्ट देता है और कहता है कि वो लोग एक डेजर्टेड आइलैंड पे रुका हुआ है। तो जो कैप्टन है वो कहता है कि ठीक है, हम लोग अटैक करेंगे फुल काउंटर और उन लोगों को पकड़ लेंगे। तो जो सर्जन है वो कहता है कि नहीं नहीं कैप्टन, मेरे पास एक प्लान है। और ये सुनने के बाद जो कैप्टन है वो कहता है कि क्या तुमको डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो पीछे रह जाओ। तो जो सर्जन है वो कहता है कि नहीं, उन लोगों के पास डेविल फ्रूट के पावर है और उसके साथ साथ उन लोगों के साथ एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी है जिसका नाम है रोआनोआ ज़ोरो। तो हम लोग एक दूसरा प्लान अप्लाई करेंगे और बहुत ही मिनिमम कैजुअलिटी के साथ उन लोगों को पकड़ लेंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग ओल्ड मैन जेनी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसको दिया जा रहा है 5-स्टार ट्रीटमेंट। वो बैठ के चीज़ खा रहा है सांजे का बनाया हुआ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और चीज़ खाते खाते वो गेम खेल रहा है नामी के साथ और उसके कंधे को दबाने की काम कर रहा है रॉबिन के हाथ। भाई वो स्वर्ग में है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी ज़ोरो और उसब को देखते हैं। वो लोग जंगल से बहुत सारे फल तोड़ के और बहुत सारे मछली पकड़ के ले आए और सांजी को कहता है कि सांजी उसके लिए कुछ यामी सा बना के दो। तो जो ज़ोरो है वो कहता है कि क्या तुमको और कुछ चाहिए? तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि नहीं, मैं तो स्वर्ग में हूँ। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि अभी मत मरो, तुम्हारे पास बस 3 ही दिन है, लेकिन इन 3 दिन को अच्छे से जी के जाओ। तो उसके बाद जो ज़ोरो है वो कहता है कि देखो तुम लोगों को कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा? तो सब लोग कहते हैं कि क्या? तो जो ज़ोरो है वो कहता है कि देखो उसको बस 3 दिन ही था जीने के लिए, लेकिन देखो 3 दिन कब का पार हो गया, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। मुझे लगता है कि वो और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो 20 सालों में भी मरने वाला है। तो उसके बाद सब लोग आपस में बात करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि सब लोग इस आइलैंड को क्विट करके न्यू जर्नी पे निकलेगा, क्योंकि ये जो ओल्ड मैन है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, वो मरने का नाम भी नहीं ले रहा। और सब लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रह के उसका काम नहीं करेंगे। तो सब लोग कहते हैं कि नामी चलो हम लोगों को क्विट करना है, हम लोगों को जाना है। तो जो नामी है वो कहती है कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ये गेम ख़त्म करती हूँ।
तो उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि नहीं तुम लोग नहीं जा पाओगे। तो सब लोग कहते हैं कि क्यों नहीं जा पाएंगे। जो नामी है वो कहती है कि देखो मैं हार रहा था बार बार गेम में और मैं पेट लगा रहा था और मैंने हम लोगों का जो शिप है वो भी दाव पे लगा दिया था और मैं हार गई। तो सब लोग कहते हैं कि क्या तुमने हमारे शिप को दाव पे लगा दिया, कौन पायरेट अपने पायरेट शिप को दाव पे लगा देता है, बेट पे लगा देता है। और उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि अगर तुम लोग इस आइलैंड से जाना चाहते हो तो मुझे पैसे देना पड़ेगा या फिर पैसे नहीं है तो मेरा काम करना पड़ेगा। और उसके बाद वो हिसाब किताब लगाता है और उसके बाद कहता है कि तुम सब लोगों को 10 साल मेरे अंडर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये जो शिप है उसका पैसा आएगा। तो उसके बाद सब लोग नामी को पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखो नामी तुमने फिर से क्या कर दिया, हमारा जो शिप है वो ही डुबा दिया। तो जो नामी है वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि इस ओल्ड मैन के पास बहुत ज़्यादा ट्रेजर है और इस ट्रेजर का पता लगाने के लिए मैंने इसके साथ बेट लगा के गेम खेला, लेकिन किसे पता था कि वो मुझे ही हरा देगा हर एक गेम में और मैं अपना ही शिप खो बैठूंगी। मुझे लगा था कि अगर मैं जीत गई तो मैं उसको प्रेशर दूंगी तो वो उस ट्रेजर के रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उगल देगा, लेकिन किसे पता था सब कुछ हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद जो उस समय वो कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इस ओल्ड मैन को बुद्धू बना के यहाँ से भाग के हमारे शिप को लेके चले जाएंगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर ही रहूंगा। तो सब लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों रहोगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि देखो नामी ने उसके साथ बेट खेला है और बेट में वो हार गया है, इसका मतलब क्या है, बेट एक तरह का प्रॉमिस ही है, मैं किसी भी तरह के प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करूंगा चाहे मुझे मेरा पूरा जिंदगी इस आइलैंड पे बिताना क्यों ना पड़े। तो उसके बाद उसब और सांजी बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है लूफी को, लेकिन लूफी नहीं मानता। तो जोरो को कहता है कि जोरो देखो ना वो क्या बोल रहा है। तो जो जोरो है वो कहता है कि हमारा जो कैप्टन है वो डिसाइड करेगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने एक बार ना बोल दिया मतलब ना बोल दिया। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं, वो उस ओल्ड मैन के साथ चेस खेलती है और चेस खेल के चेकमेट में हरा देती है और कहती है कि देखो मैंने हम लोगों का जो शिप है वो वापस जीत लिया है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा हंसता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने बहुत साल इस आइलैंड पे बिता दिया लेकिन तुम जैसा पायरेट मैंने कभी भी नहीं देखा, तुम लोग बहुत ज़्यादा फन हो, आज रात हम लोग पार्टी करेंगे। और उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा खाना लाया जाता है, सब लोग खाना खा रहे हैं और जो नामी है वो उस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा दारू पिला रही है क्योंकि वो दारू पिला के उसके ट्रेजर के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। और नामी का जो ये मेथड है वो काम भी करता है और हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि जो जेनी था उसका पहले नाम था जेनी द मनी लेंडर, वो पायरेट्स को मनी लेंड करता था ज़रूरत के टाइम पे और बाद में सूद समेत ज़्यादा पैसे लेता था, लेकिन उसका काम पायरेट के साथ था इसलिए जो पायरेट थे वो पैसे लेने के बाद पैसे वापस करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा झमेला करता था, इसलिए पायरेट के साथ बहुत बार उसका फाइट भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक था इसलिए पायरेट के साथ सामने से फाइट नहीं कर पाता था, पायरेट्स के साथ चाल चाल के उन लोगों का शिप छीन लेता था, एक बार ज़्यादा पैसे ले लेता था, ऐसे पायरेट के साथ फाइट करता था। इसलिए एक दिन पायरेट ने उसके ऊपर हमला किया और उसके टीम के सब लोग मारे गए, बस वो बच गया और वो इस आइलैंड पे आके रुका और तभी से 20 साल हो गया है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा एक ड्रीम भी था, मैं जब छोटा था मैं बचपन में बहुत बड़ा पायरेट बनना चाहता था, किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। तो ये सब कुछ सुनते सुनते जो लूफी है वो कहता है कि ओल्ड मैन तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुमने अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप क्यों कर दिया। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हो गया इसलिए। तो जो लूफी है वो कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम पायरेट बनना चाहते हो तो बन जाओ, एज कोई मैटर नहीं करता, अगर तुम दिल से पायरेट बनना चाहते हो तो तुम्हें बन जाना चाहिए। तो सब लोग लूफी को रोकते हैं क्योंकि अगर लूफी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उस बुड्ढे के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और ये जो पार्टी है वो चलते ही रहता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के सर्जन और कॉर्पोरल को देखते हैं। जो सर्जन है वो कहता है कि हम लोग लूफी को पकड़ेंगे, लूफी के टीम को पकड़ेंगे, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा ट्रेजर और आज रात ही हम लोग काम खत्म करेंगे और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो अपने ग्रेप पे बैठा हुआ है, अपने जो कफन है वहाँ पर बैठा हुआ है और वो कहता है कि ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसने क्या बात बोल दिया, मेरे जो बचपन का ड्रीम है उसको जगा दिया। तो वहाँ पर रॉबिन आती है और कहती है कि हम लोग का कैप्टन ऐसा ही है, अगर कोई मरना भी चाहता है हमारा कैप्टन उसे मरने भी नहीं देता।
आता। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए आता है, कहता है कि नेवी के लोग आ गए, नेवी ने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया और सब लोग सो रहे थे। उठ के वो लोग दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेवी का शिप आ चुका है। तो लूफी और बाकी के लोग फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और कहते हैं कि देखो बस एक ही शिप है, हम लोग अगर फाइट करेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस नेवी में वो सर्जन है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्ट्रॉ हैट लूफी, और वो लूफी और बाकी के लोगों के साथ सम्मान से बात कर रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, तुम हमारे साथ फाइट क्यों नहीं करना चाहते। तो जो सर्जन है वो कहता है कि हम लोगों को पता है एलिवेस्टर में जो क्रोकोडाइल है उसको हराया है तुम लोगों ने, तो हम लोग तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहते, हम तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं क्योंकि ये जो आइलैंड है वो मैप पे नहीं है, हम लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं। तो सब लोग कहते हैं कि इस आइलैंड पे बस जेनी नाम का एक बुड्ढा रहता है, तुम यहाँ पर क्या ही इंस्पेक्शन करोगे। तो वो बंदा है वो कहता है कि हाँ तो ठीक है, हम लोग का इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और तुम लोगों को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जो नेवी का हेडक्वार्टर है वो तो तुम लोगों को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जो उस समय वो कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हम लोगों को अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं खाना ले आता हूँ और रॉबिन को भी बुला के ले आता हूँ, और वो सब वहाँ पर चला जाता है पहाड़ के ऊपर। तो उसके बाद जो मरीन का सर्जन है जिसका नाम है मिंची, वो कहता है कि तुम लोग किसके लिए वेट कर रहे हो, तुम लोग जाओ, हमारे पीछे जो फॉग है वहाँ पर क्लियर वेदर है, तुम लोग वहाँ पर बहुत ही आसानी से जा पाओगे। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि चुप रहो, तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, जब मेरा मन चाहेगा तभी मैं जाऊंगा, और अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं हमारे साथ फाइट करता। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक तरह का मरीन हो जो कि पायलट के साथ फाइट करना नहीं चाहते। और उसके बाद जो चौपर है वो कहता है कि मुझे ना किसी चीज़ का बुआ आ रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम्हें किस चीज़ का बुआ आ रहा है। जो चौपर है वो कहता है कि मुझे बहुत सारे कैनन और बारूद का बुआ आ रहा है, वो बस एक और दो शिप से नहीं बहुत सारे शिप से आ रहा है, मुझे लगता है कि उसके पीछे बहुत सारे शिप जो कोरा है उसमें छुपा हुआ है, अगर हम लोग वहाँ पर सेल करते तो हम लोगों को पकड़ लेता, ये एक ट्रैप है। तो सब लोग कहते हैं कि मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला है, ये जो मरीन है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुमको कैसे पता कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसका नाम जेनी है, हम लोगों ने तो कभी भी नाम नहीं बताया। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे बस ऐसे ही पता चला, लेकिन उसका जो एक्सक्यूज़ है वो नामी बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है और कहती है कि इसका मतलब जो जेनी है उसके पास ट्रेजर है, मुझे लगा ही था उसके पास ट्रेजर है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से उसब आ रहा है और उसब को पकड़ लिया है मरीन के लोगों ने, और सब लोग कहते हैं कि अपने पास जो हथियार है वो नीचे फेंक दो क्योंकि अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो हम लोग इसको मार डालेंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग ओल्ड मैन जेनी और रॉबिन को देखते हैं, उन लोगों को पहाड़ के ऊपर से नीचे दिख गया है वहाँ पर क्या चल रहा है। तो जो जेनी है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि तुम तो एक पायरेट हो ना कोई रास्ता निकालो। तो जो जेनी है वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो बस एक नाम का पायरेट हूँ, मेरा जो शिप है वो भी माउंटेन के ऊपर है, हालांकि मेरे पास एक रास्ता है इस बोट को नीचे उतारने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और उसके बाद लूफी का बात याद आ जाता है, जब लूफी ने कहा था कि अगर तुम एक पायरेट बनना चाहते हो तो बन जाओ, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कभी भी टाइम कम नहीं होता, कभी भी देरी नहीं होता। और उसके बाद जो ओल्ड मैन है उसने अपने गोट को इशारा कर दिया है और उसके जो सारे के सारे गोट है वो उस पायरेट शिप को धकेलते हुए पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ ले आता है। और हम लोग देखते हैं कि पहाड़ में चारों तरफ बहुत सारे लॉग घुसाया हुआ है, वो एक इमरजेंसी पाथ था उस शिप को ऊपर से नीचे लाने के लिए, उसे उस ओल्ड मैन ने बनाया था, उसे कभी लगा नहीं था कि वो कभी काम पे आएगा। हम लोग देखते हैं कि पहाड़ से नीचे की तरफ शिप आ रहा है चढ़ते हुए। सब लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है। जो मरीन के लोग हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि अरे ओल्ड मैन तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने पहाड़ के ऊपर से शिप को चलाते हुए नीचे की तरफ आ रहे हो, तुम तो एक रियल का पायरेट हो। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग एपिसोड नंबर 138 के स्टार्टिंग में देखते हैं, जो जेनी का शिप है वो पूरी तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ उतरता है और उतर के जहाँ पर उसब और मरीन है उन लोगों के बीच में से क्रॉस ओवर करके उसका जो शिप है वो जाके समुन्दर के पानी में रुकता है। और जो जेनी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं सच में समुन्दर में आ गया, मैं सचमुच का पायरेट बन गया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है अभी मैं हूँ जेनी द पायरेट और इस शिप का कैप्टन। तो उसके बाद जो मरीन का सर्जन मिंची है वो कहता है कि जेनी द मनी लैंडर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो जेनी है वो कहता है कि मैं अभी मनी लैंड नहीं करता, मैं अभी पायरेट बन चुका हूँ और मेरा नाम है जेनी द पायरेट। तो उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, वो पीछे से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ओल्ड मैन ध्यान से रहना, वो जो नेवी के
लोग हैं वो लोग तुम्हारा ट्रेजर को चुराना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर विश्वास मत करना। तो जो जेनी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ओए ब्रैड, क्या तू मेरा ट्रेजर चुराना चाहता है? अगर दम है तो यहाँ पर आ जा और आके लेके दिखा। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो और बाकी के लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम लोग अपना भी शिप ले आते हैं, और वो लोग भागने लगते हैं वहाँ से। तो वहाँ पर जो कॉर्पोरल होता है वो कहता है कि सर्जन देखो जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग भाग रहे हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो सर्जन है वो कॉर्पोरल के ऊपर गोली चलाता है, उसके बॉडी के ऊपर नहीं लेकिन उसके पैर के सामने, और वो कहता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कॉर्पोरल, मैंने कहा था कि मेरे को जो ट्रेजर मिलेगा उससे मैं हिस्सा तुमको भी दूंगा, तो कैप्टन को इसके बारे में इन्फॉर्म मत करो। और ये वाला सीन हिपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उस ओल्ड मैन जेनी को देखते हैं, और वो कहता है कि तुमको लगता है कि तुम मेरा ट्रेजर ले सकते हो, तुम मेरे साथ कभी भी फाइट में जीत नहीं पाओगे, मैं तुमको आसानी से हरा दूंगा किड। और वो सर्जन को बहुत सारे ताने मारता है, और जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हाँ ओल्ड मैन, उसे दिखा दो कि कैसे एक नेवी के साथ एक पायरेट का फाइट होता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी अपने गमगम डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है और जो ओल्ड मैन का शिप है उसको पकड़ लेता है, और अपनी पूरी ताकत से उसके शिप को दे मारता है उस मरीन के शिप के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि दो शिप जाके पत्थर में टकरा जाता है। सब लोग कहते हैं कि लूफी गधा, तूने ऐसा क्यों किया, देख वो ओल्ड मैन जिंदा है या फिर नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि जेनी को पहले चक्कर आ रहा था, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, कहता है कि चलो हम लोग हमला करेंगे, और उसके बोट में जितने सारे गोट है सारे के सारे गोट से हमला कर देता है मरीन के शिप के ऊपर। और उसके बाद जो उसप और लूफी और बाकी के लोग है सब लोग कहते हैं कि देखो वो जो ओल्ड मैन है वो तो गोट से हमला कर रहा है, वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उन लोगों की मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लूफी जिस रस्सी को पकड़ के मरीन के शिप के ऊपर जाने वाला था, मरीन के जो लोग है वो उस रस्सी को ही काट देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो समुद्र के पानी में गिर जाता है, लूफी को तो तैरना भी नहीं आता। हम लोग जोरो को देखते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि गधा तूने देख क्या कर दिया। हम लोग देखते हैं कि जोरो वापस चला जाता है लूफी को बचाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग उस शिप के बाकी के मरीन को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी मरीन उन गोट के ऊपर गोली नहीं चलाता। तो जो सर्जन है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम लोग गोट के साथ फाइट नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे। तो सब लोग कहते हैं कि ये जो गोट है वो बहुत ज्यादा प्यारे और क्यूट है, हम लोग इसके ऊपर गोली नहीं चला पाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो सर्जन है वो बहुत ज्यादा प्रेशर देता है, और इस प्रेशर के वजह से जो मरीन के लोग है सब लोग गोली चलाने के लिए प्रिपेयर होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वापस जेनी आ जाता है और गोली चलाने नहीं देता, लेकिन एक गोली मिसफायर हो जाता है और उस गोली की आवाज़ की वजह से वहाँ पे जो गोट है सब एंग्शियस हो जाते हैं, और सारे के सारे गोट चारों तरफ दौड़ने लग जाते हैं, सब कुछ तोड़ने लग जाता है, सब लोगों को मारने लग जाता है। जो जेनी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब तुम लोगों का खैर नहीं, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो पूरी तेजी से तैरते हुए जा रहा है लूफी को बचाने के लिए, और बहुत देर तक तैरने के बाद वो देखता है कि वो तो उल्टी दिशा में आ गया, और उसके बाद वो फिर से जा रहा है वापस। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो पानी के नीचे डूबते हुए जा रहा है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलता, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम लोग मरीन कैप्टन मोरी को देखते हैं, एक नेवी का ऑफिसर कहता है कि अभी हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो जो कैप्टन है वो कहता है कि नहीं, जब तक मिंची से हम लोगों को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अटैक नहीं करेंगे, ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग उस ओल्ड मैन जेनी को देखते हैं, वो मरीन के साथ फाइट कर रहा है, और फाइट करते करते अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि सांस लेने के लिए वो कैबिनेट से बाहर निकलता है, और तभी वहाँ पर आ जाता है सर्जन। हम लोग देखते हैं कि जो मिंची है वो उस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा मारता है, मार के अपने शिप में फेंक देता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो नेवी का कैप्टन है वो कॉल लगाता है कॉर्पोरल के पास, और कॉर्पोरल से सब कुछ पता चल जाता है उन लोगों के कैप्टन को, और उसका जो कैप्टन है वो कहता है कि मिंची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग मिंची को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेलता है उस ओल्ड मैन को, और कहता है कि सच सच बता दे तेरा ट्रेजर कहाँ पर रखा हुआ है। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मेरे पास कोई ट्रेजर नहीं है, मेरे पास एक पेनी भी नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्जन उसे और भी बहुत ज़्यादा मारता है, और कहता है कि अब मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसका तलवार निकलता है और कहता है कि तुझे मार के मैं तेरे को ज़मीन में गाड़ दूंगा, और तेरा जो आइलैंड है उसे छानबीन करके मैं तेरा ट्रेजर भी बाहर निकाल लूंगा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं मुझे, मैं तुझे मार डालूंगा। हम लोग देखते हैं कि वो उस ओल्ड मैन को मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर रॉबिन आ जाती है, क्योंकि रॉबिन उस शिप में ही थी पहले से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के लोग भी आ जाते हैं उसका शिप लेके, और जो जोरो है वो भी लूफी को पानी से बाहर निकाल लेता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं उस ओल्ड मैन के लिए। जो चॉपर है वो उसका ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि मरना मत। जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा टच्ड हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी एक पायरेट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जीना चाहता हूँ, एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ। और इस जेनी का ट्रीटमेंट होने के बाद जो नामी है वो उसके सामने आती है और कहती है कि ओल्ड मैन जेनी आप सब कुछ बता दो, आप तो सब लोगों को पता चली गया है कि तुम्हारे पास ट्रेजर है, वो ट्रेजर कहाँ पर है। तो जो जेनी है वो कहता है कि मेरे पास ट्रेजर है नहीं, वो था। और उसके बाद वो पूरी
पूरी कहानी बताता है। कहता है कि जब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ मैं इस शोर में आके रुका और मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी था, लेकिन जो पैसा था वो सारा का सारा पैसा इस गोट ने खा लिया, सारे के सारे गोट ने खा लिया, एक भी रुपया नहीं छोड़ा था। सब लोग कहते हैं कि सच में पूरा का पूरा ट्रेजर खा लिया? तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा पैसा चला गया, लेकिन मुझे बहुत सारे दोस्त मिल गए और सारा का सारा दोस्त बहुत ज़्यादा लॉयल है और यही है मेरा असली ट्रेजर। और सब लोग हंस रहे होते हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जो सर्जेंट है वो कहता है कि अरे तुम लोगों को लगता है कि हमारा फाइट ख़त्म हो चुका है? पीछे पूरा का पूरा मरीन फ्लीट है, हम लोग तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम बच के नहीं जा सकते। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग बच के नहीं जाएंगे, हम लोग भागेंगे नहीं, जाओ जाके तुम्हारे कैप्टन को बोलो कि हमारे ऊपर हमला करने के लिए, मैं अकेले ही सब लोगों को हरा दूंगा। और ये कहने के बाद वो मिंची को एक गमगम पिस्तौल से हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि उसके पन से जो मिंची है वो उड़ते हुए जाके उसके कैप्टन के शिप में गिरता है। तो उसका जो कैप्टन है वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े डिसग्रेस हो, तुम नेवी के नाम पे कलंक हो। हम लोग देखते हैं कि उसका जस्टिस का जो बैज है उसे उतार लेता है और कहता है कि जाओ जाके इसको सेल में डाल दो। और उसके बाद वो कॉल लगाता है लूफी को और लूफी के सामने एक ट्रांसपोंडर स्नेल होता है। तो जो नेवी का कैप्टन है वो कहता है कि मेरे को जेनी और उसका जो ट्रेजर है उसके बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे उसके आइलैंड के बारे में भी कुछ नहीं जानना, मैं बस तुमको हराना चाहता हूँ, तुमको पकड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। तुमने मेरे नालायक सर्जन को भी वापस कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवार्ड देना चाहता हूँ, तुम चूज करो कि हम लोग कहाँ पर फाइट करेंगे। तो जो लूफी अब कहता है कि हम लोग भी इस आइलैंड से बाहर निकलने वाले हैं, रुको हम लोग आते हैं तुम्हारे पास, हम लोग अभी फाइट करेंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी और बाकी के जो लोग हैं सब लोग उस ओल्ड मैन को गुड बाय बोल के चले जाते हैं। और जो लूफी अब जाते जाते कहता है कि जेनी पायरेट्स हम लोग फिर से मिलेंगे ग्रैंड लाइन पे, और ये कहते हुए जो गोइंग मैरी है वो चला जाता है। और जो जेनी है वो सोचता है कि मैं पायरेट बनूंगा, लेकिन मुझे ये जो शिप है इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो उसके शिप को रिपेयर करने के लिए फिर से आइलैंड पे चला जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के शिप और लूफी के शिप को देखते हैं। जो लूफी है वो उंगली से दिखाता है और कहता है कि हम लोग जो फॉगी एरिया है वहाँ पर फाइट करेंगे। तो जो नेवी के शिप और जो लूफी के शिप है सब चले जाते हैं उस फॉगी एरिया के अंदर। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी का शिप है मतलब जो गोइंग मैरी है वो आराम से उस जगह से बाहर निकल जाता है। जो नामी है वो कहती है कि लूफी कभी कभी तुम अपना दिमाग भी यूज़ करते हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने दिमाग इस्तेमाल किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जो नामी है वो सोचती है कि ये एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि लूफी ने जहाँ पर उंगली दिखाया था, जहाँ पर फाइट करना था, वहाँ पर बहुत सारे वापुल थे और बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन जो नेवी के जो नेविगेटर्स है वो लोग अच्छे नहीं है, तो सब लोगों का जो शिप है वो टूट गया। लेकिन लूफी का शिप छोटा है और वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया नेविगेटर है नामी, इसलिए उन लोगों का शिप बच के वहां से बाहर निकल गया। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोइंग मैरी पे बैठ के स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे सारे पायरेट खुशी खुशी एक नए एडवेंचर पे निकल जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।